ग्रेटर नोएडा में कार सवार बदमाशों से हुई पुलिस की मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, दो हुए फरार। ग्रेटर नोएडा के बीटाटू थाना क्षेत्र में पुलिस और कार सवार बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, तो वहीं दो बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है। अवगत कराना है कि आज अभी चेकिंग करते हुए एसआई सोनवीर आईसीओपी H6 और उनकी टीम जब चेकिंग कर रहे थे तो एक HR नंबर की अर्टिगा गाड़ी इनके पास से गुजरी, जिसकी नंबर प्लेट पर मिट्टी लगी हुई थी। इन लोगों ने संदिग्ध गाड़ी को देखते हुए उसे रोकने का प्रयास किया, तो गाड़ी में बैठे हुए बदमाश ने फायर कर दिया और गाड़ी लेकर के भागे। इन लोगों ने गाड़ी का पीछा किया, पीछा करते हुए इकोटेक फर्स्ट के रोड पर आ गए और यहाँ पर बिजली घर के पास में जब इन लोगों ने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो बदमाश गाड़ी छोड़ करके फायर करते हुए बिजली घर की तरफ भागे। इन लोगों ने भी पीछे से पीछा किया और प्रशिक्षित तरीके से बचाव करते हुए फायर करते हुए बदमाशों पर फायर किया, जिससे कि उसको गोली लगी है और उनके वहीं पर वो घेराबंदी करके इसको पकड़ लिया है। जिस व्यक्ति को गोली लगी है, इस व्यक्ति का नाम विपिन सनाप धर्मवीर गुजर है, निवासी इंडिया का, थाना इकोटेक का रहने वाला है। इसे तत्काल पुलिस उपचार के लिए भेजा गया है और इसमें अन्य आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। घायल बदमाश की पहचान विपिन निवासी इमलिया के रूप में हुई है। बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा, कारतूस और चोरी की एक अर्टिका कार बरामद की गई है। अर्टिका कार बदमाश द्वारा रोशन नगर, जनपद फरीदाबाद, हरियाणा से चोरी करना स्वीकार किया गया। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।